दक्षिणी दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने वाले आश्रम अंडरपास का औपचारिक तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को उद्घाटन किया। इस अंडरपास के खुल जाने से आश्रम चौक पर लगने वाला जैम पूरी तरह खत्म हो गया है। अब जो लोग बदरपुर से भोगल की तरफ जाते हैं या जो लोग भोगल और मध्य दिल्ली से बदरपुर की तरफ जाएंगे, वो महज कुछ ही सेकंड में इस रास्ते से निकल जा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस अंडरपास के बनने से हर साल लोगों के ईंधन के खर्च में भी काफी कमी आएगी, वहीं वक्त तो बचेगा ही। अंडरपास 410 मीटर लंबा है और इसे बनाने में करीब 77 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये अंडरपास भोगल को मथुरा रोड पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से जोड़ता है। इसके उद्घाटन के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और बदरपुर से आईटीओ तथा मध्य दिल्ली के अन्य इलाकों से गुजरने वाले वाहन चालकों को व्यस्त आश्रम क्रॉसिंग पर जाम नहीं मिलेगा। आश्रम चौक मध्य और दक्षिणी दिल्ली के बीच तथा फरीदाबाद के साथ भी महत्वपूर्ण लिंक है। ये जंक्शन मथुरा रोड और रिंग रोड को जोड़ता है। सिसोदिया ने कहा कि अंडरपास से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि इससे रोजाना 1550 लीटर ईंधन भी बचेगा। आश्रम चौराहे पर लंबे समय से जैम की समस्या देखने को मिलती थी। करीब 8 बार समय सीमा को पार कर चुका 750 मीटर लंबे अंडरपास के निर्माण के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस माह दक्षिण दिल्ली के इस अंडरपास का निरीक्षण किया था और घोषणा की थी कि 22 मार्च को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पीडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया था कि पहले समय सीमा मार्च 2021 तक बढ़ाई गई थी, फिर से जून 2021, उसके बाद सितंबर 2021 किया गया, एक बार फिर समय सीमा बढ़ाकर पहले दिसंबर 2021 की गई एवं और आखिरी बार उसे मार्च 2022 किया गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।